हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोटवालर और जर्मन शेफर्ड के बारे में कि आखिरकार जो रोटवालर को पहले इतना पुलिस आर्मी में यूज़ करते थे उसकी अभी जो तुलना में आज के टाइम पे ज़्यादा करके जर्मन शेफर्ड को क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्यों रोटवालर को अभी भी यूज़ करते बट उतना नहीं करते जितना पहले के टाइम पर करते थे। तो इसके पीछे क्या क्या रीज़न है वो इस वीडियो में हम जानेंगे और आपके लिए रोटवालर या जर्मन शेफर्ड कौन सा सही रहेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा कि अच्छा गार्ड दोनों में से कौन सा है। तो ये वीडियो को लास्ट जरूर से देखना और न्यू है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से करना और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है नेचर का आता है। जैसे कि रोटवालर का नेचर काफ़ी ज़्यादा अलग होता है और जो जर्मन शेफर्ड का नेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता देता हूँ। जैसे कि जर्मन शेफर्ड को अगर आप कोई भी कमांड देते हो कि जाओ उसे पकड़ के लाओ या फिर उस तरह से करो तो वो उसके काम पर ऊपर फोकस करेगा और अच्छे से अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन आपको रिजल्ट देगा। बट जबकि रोटवालर क्या करेगा, उसी काम को अगर आप बोलोगे कि जाओ उसे पकड़ के लाओ तो पकड़ तो देगा बट वो एक दो बार आपकी तरफ ज़रूर से देखेगा क्योंकि सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी होती है वो है आप होते, ऑनर होते और उसका मालिक होता है। वो अपने मालिक के लिए काफ़ी ज़्यादा वफादार होता है चाहे कुछ भी हो जाए बट मालिक को कुछ भी नहीं होना चाहिए। बट कभी कभार मिशन में हो क्या होता है कि हमें जो है जो कमांड होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए ज़्यादा करके जो नेचर में होते जर्मन शेफर्ड को जो आर्मी और पुलिस में रखते हैं। तो हम बात करेंगे कि जैसे कि पहले के टाइम पे ज़्यादा करके रोटवालों को क्यों यूज़ करते थे। तो पहले के टाइम पे जो लोग होते काफ़ी ज़्यादा हट्टे कट्टे मस्कुलर स्ट्रांग होते और आज के टाइम पे इतने लोगों की हाइट बॉडी इतना नहीं होता है पर जो रोटवालर थे पहले के टाइम पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते थे क्योंकि रोटवालर का भी वेट काफ़ी ज़्यादा हैवी है, वो मस्कुलर है और वो अच्छे से उसका पीछा भी कर लेते और किसी को एक बार दबोच लेते तो जल्दी से छोड़ते भी नहीं है। और उस टाइम जर्मन शेफर्ड काफ़ी ज़्यादा छोटा लगता था बट आज के टाइम पर जैसे 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 इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है तो लोगों की इतनी हाइट बॉडी नहीं है, इतना जो मस्कुलर नहीं थे स्ट्रांग नहीं होते तो ऐसे में जर्मन शेफर्ड काफ़ी अच्छे से लोगों को हैंडल कर लेता है क्योंकि कभी कभी किसी की सिंगल बॉडी होती है तो उसके लिए जो जर्मन शेफर्ड काफ़ी हो जाता है। जो सेकेंड पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है कि स्पीड स्फूर्ति। आपको पता है कि जैसे आर्मी के मिशंस में या फिर पुलिस के मिशन में स्पीड या फिर टाइम की काफ़ी ज़्यादा अहमियत होती है कि उस टाइम पे उसको जल्दी करना है और जितने ज़्यादा स्पीड हो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस मामले में रोटवालर काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, काफ़ी मस्कुलर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, उनका वजन काफ़ी ज़्यादा होता है तो अगर छोटे साइज के रोटवालर होते तो उनको कंसिडर कर लेते बट कभी कभार क्या जैसे जर्मन शेफर्ड स्लिम बॉडी के होते काफ़ी ज़्यादा पतले होते कहीं से भी निकल जाते और उनका आवाज़ भी ज़्यादा वो नहीं करते, उनकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है रनिंग की। तो ऐसे में कभी लॉन्ग जाना हो या फिर कभी किसी का पीछा करवाना तो ऐसे में जर्मन शेफर्ड को काफ़ी ज़्यादा लोग कंसीडर करते हैं तो इसके लिए भी जर्मन शेफर्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी जो है मिल जाती है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक तो क्वेश्चन होगा कि भाई जर्मन शेफर्ड को ही लेंगे तो रोटवालर का क्या होता है, बट ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ मिशन में जो कंडीशन के हिसाब से हम जैसे कि आर्मी या फोर्स लेते हैं उस हिसाब से उस तरह से हम डॉग को भी लेते हैं। कभी कभार लैब्राडोर की भी ज़रूरत होती है सूंघने में, कहीं कोई किसी को फाइंड करने में, तो ऐसे में लैब्राडोर को भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो आर्मी की पुलिस की कंडीशन होती है उस हिसाब से वो डॉग जो है चूज़ करते हैं। कभी कभार कुछ कुछ ऐसे मिशन होते हैं जहाँ पर हमें रोटवालर लेना हो जैसे कि बॉम्ब डिटेक्शन में या फिर कहीं कहीं कुछ पकड़ने में या फिर किसी का पीछा करने में लॉन्ग रूट में, तो ऐसे में क्या होता है कि रोटवालर में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा शरीर में अच्छे से खा लेते हैं तो उनकी एनर्जी जल्दी से जो है नहीं चली जाती है। उसके कारण लॉन्ग जो मिशन होते हैं, लंबे मिशन होते हैं, कहीं जाना हो कहीं दो चार दिन के लिए 15 दिन के लिए, तो ऐसे में जो रोटवालर को कंसिडर करते हैं। और गैस कुछ कुछ मिशन ऐसे होते हैं जो कहीं पे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग जंप पे होते हैं, कूदने के होते हैं, कहीं कहीं जंप करना होता है, कहीं से खड्डे में जाना होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि जर्मन शेफर्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि क्या होता है उस ऐसे कंडीशन में ऐसे मिशन में काफ़ी ज़्यादा सांस फूलने के चांसेस होते हैं। तो जो आप देखोगे जर्मन शेफर्ड का मुँह काफ़ी ज़्यादा लंबा है तो कहीं से भी थोड़ा बहुत सांस ले सकता है बट जो रॉटवेलर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कूदने में काफ़ी दिक्कत आती है और उनके सांस भी काफ़ी ज़्यादा फूलने लग जाती है। तो ऐसे कंडीशन में कभी कभार रोटवेलर जो है बेकाबू होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है। तो इससे कुछ मिशन पे कुछ साइड इफ़ेक्ट या फिर मिशन ना ख़राब हो इसलिए जो है उनकी कंडीशन के हिसाब से वो डॉग लेते हैं। दूसरा ये है कि जो रोटवालर का आप देखोगे बाइट फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है उसका जर्मन शेफर्ड के मुकाबले या फिर लैब्राडोर के मुकाबले। एक बार वो रोटवालर किसी को पकड़ लेता है तो जल्दी से छोड़ता भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कभी कभार किसी को जस्ट पकड़ना होता है या डराना होता है तो ऐसे कंडीशन में जैसे कि जर्मन शेफर्ड लैब्राडोर या फिर डॉबरमैन का भी यूज़ करते हैं क्योंकि जो रोटवालर होता है वो काफ़ी ज़्यादा एकदम से बैठ जाएगा या फिर पकड़ लेगा और काफ़ी ज़्यादा कभी कभार वो गुस्सेल हो जाते हैं अगर कोई सामने से उसको मारता है या डराता है। तो
तो गाइस बहुत सारे ऐसे डॉग है जैसे कि डॉबरमैन, बीगल या लैब्राडोर या फिर रॉटवालर, सब अपने आर्मी और पुलिस में सब यूज़ होता है, बट सबकी कैटेगरी अलग अलग होती है, सिचुएशन अलग होती है। इसलिए बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि भाई रॉटवालर ज़्यादा यूज़ नहीं होते, तो ऐसा नहीं है, रॉटवालर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, बट वो आर्मी और पुलिस अपने अपने कंडीशन में मिशन के हिसाब से डॉग को यूज़ करते हैं। तो आप बात करें कि सब में से अच्छा कौन अच्छा गार्ड डॉग है, तो सभी के सिचुएशन के हिसाब से, सभी के हेल्थ के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से सब अलग अलग गार्ड का काम करते हैं। जैसे कि डॉबरमैन गांव के लिए, रोटवालर गांव के लिए काफ़ी अच्छा है, शहर के लिए भी काफ़ी अच्छा है, बट सिटी में आप जो है जर्मन शेफर्ड ज़्यादा लोग रखते हैं। फर्स्ट टाइम के लिए भी सारे डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छे हैं, अगर सेकंड टाइम डॉग उन्होंने तो भी अच्छे हैं, बट सबको सोशलाइज ट्रेनिंग और सब आपको डिसिप्लिन में आपको जरूर से रखना है, सबके साथ सोशलाइज जरूर से करना। और गैस एक लाइक जरूर से बनता है जो हमारे इंडियन आर्मी में, हमारे पुलिस में जो डॉग से जो हमारी सेवा देते, हमारे लिए सेवा करते, हमारी सुरक्षा करते, उनके लिए ज़रूर से सैल्यूट करना, जय हिंद जरूर से लिखना और एक लाइक ज़रूर से करना। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।